हाँ जी बेटा, तो अपन लोग हमारा वो नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर दें। टॉपिक का नाम लिखें फटाफट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी रैंक? आइडिया नहीं मुझे, आ गया? वेरी गुड। लिखो टॉपिक का नाम, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। शॉर्ट में इसे क्या बोलते हैं बेटे? एनपीओ। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इन शॉर्ट एनपीओ। देखिए, जैसे एक सोल प्रोप्राइटर जो बिजनेस करता है उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। पार्टनरशिप फर्म कॉमन कैपिटल लगाकर पार्टनर्स की प्रॉफिट अर्न करने का काम करती है। भले ही लॉस हो जाए लेकिन उसका मोटिव क्या था? प्रॉफिट था। कंपनी का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? शेयर कैपिटल रेज करना और प्रॉफिट अर्न करना। अंडरस्टूड? लेकिन फिर भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जो अपने मेंबर्स को सर्विसेज देने या सोसाइटी को अपनी बेटर सर्विसेज रेंडर करने का काम करते हैं, एंड दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉल्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। लिखना शुरू करेंगे मीनिंग। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर लीगल, आर लीगल एंड अकाउंटिंग एंटिटीज आर लीगल एंड अकाउंटिंग एंटिटीज विच आर ऑपरेटेड for the benefit of the society rather than for the benefit of sole proprietor, for the benefit of sole proprietor or partners of the firm or shareholders of the company. फुल स्टॉप। कंटिन्यूएशन में लिखेंगे, दीज ऑर्गेनाइजेशंस take the form of schools। दोबारा बोलता हूँ बेटा, these organizations take the form of schools, colleges, hospitals, comma, religious institutions, etc. religious institutions, etc. बेटा, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन स्कूल रन कर रही है जिसमें बच्चों को बहुत या फिर बिना फीस के ही पढ़ाया जा रहा है, तो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रॉफिट कमाना नहीं था, गरीब बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करवाना था। हॉस्पिटल्स की बात करें तो लोग अपना इलाज महंगे हॉस्पिटल्स में नहीं करवा पा रहे, वो या तो मुफ्त में या बहुत ही नॉमिनल सी रेट पे क्या करवा सकते हैं?
अपना इलाज करवा सकते हैं। तो ऐसे हॉस्पिटल को खोलने के पीछे उस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस प्रॉफिट अर्निंग नहीं था, जबकि अपनी सर्विसेज रेंडर करना था, सोशल वेलफेयर करना था। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, इन द नेम ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन द नेम ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इन द नेम ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फॉलोइंग आर प्रिपेयर्ड। हाँ बेटा, पढ़े हैं आपने 12th में टॉपिक, बताइए क्या क्या बनाते हैं? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस। मुझे आंसर ऐसे दिया जैसे टेशन चल रहा हो, ले बोलेगा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, आराम से बोला करो। कौन सा अकाउंट बनाते हैं पहले? रिसीट एंड पेमेंट। लिखो फर्स्ट वन, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। नंबर सेकंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड नंबर थ्री, बैलेंस। लिखिए नंबर वन, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। दिस अकाउंट इज द समरी ऑफ कैश बुक। दिस अकाउंट इज द समरी ऑफ कैश बुक विच शोज ऑल कैश और बैंक रिसीट्स, विच शोज ऑल कैश और बैंक रिसीट्स एंड पेमेंट्स इन एन अकाउंटिंग ईयर। फुल स्टॉप। इन एन अकाउंटिंग ईयर, बेटा जब मैंने ये कहा कि ये एक अकाउंटिंग ईयर में कहां कहां से पैसा आया और कहां कहां पे पैसा चला गया, केवल इसी के बारे में बता दें, इसका मतलब ये किसी स्पेसिफिक ईयर की इनकम और ईयर के एक्सपेंस के बारे में बात नहीं कर रहे, वो ये बता रहे हैं कि हमारे 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक या फिर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जहां से भी पैसा आया होगा वो हमने कैश बुक में भी लिखा होगा। हम उस कैश बुक को उठाकर समराइज करके कहाँ पे लिख देंगे? रिसीट साइड में। हमने साल भर में जितना भी पेमेंट किया होगा, भाई सैलरी का पेमेंट किया, अब सैलरी तो 12 महीने में 12 बार पे की गई होगी, रेंट का पेमेंट भी हमने क्या किया होगा, 12 दफ़ा किया होगा, तो कितना सैलरी का पेमेंट किया, कितना कमीशन का पेमेंट किया, कितना रेंट का पेमेंट किया, कितना क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, क्या हमने खरीदा, क्या हमारे को पैसे खर्च करने पड़े, उन सब की रिकॉर्डिंग हमने जितनी दफ़ा पेमेंट किया होगा उतनी दफ़ा कैश बुक में कर रखी होगी। अब उनका टोटल लगाकर हेडिंग बनाकर समरी बनाकर कहाँ डाल देंगे? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, पेमेंट साइड में डाल देंगे। बात समझ में आ गई बेटा? पक्का ध्यान रहेगा, एक लाइन छोड़कर लिखें। नेक्स्ट, अच्छा एक सेकेंड, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है उसका नेचर कौन सा है बेटा? रियल। आप लिख लें इसके अंदर, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट इन नेचर। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट इन नेचर। ओके बेटा, एक लाइन छोड़कर लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लिखिए इसमें, दिस अकाउंट इज द
रेप्लिका, REPLICA, दोबारा बोल रहा हूँ, दिस अकाउंट इज द रेप्लिका, REPLICA, रेप्लिका मतलब होता है कॉपी, जैसा इनकम, जैसा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ठीक उस तरीके से क्या बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। दिस अकाउंट इज द रेप्लिका ऑफ P&L अकाउंट, एंड व्हेन आई से कि ये P&L अकाउंट की कॉपी है, इसका मतलब P&L के डेबिट में जैसे एक्सपेंसेस और लॉसेस आते हैं, क्रेडिट में इनकम्स और गेन्स आती हैं, ठीक उसी मैनर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी डेबिट साइड में एक्सपेंसेस और लॉसेस आएंगे और क्रेडिट साइड में इनकम्स और गेन्स आएगा। ठीक है, लिखो, दिस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, दिस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड इट इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेटा जब मैं अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं, इसका मतलब इनकम और एक्सपेंस की बात होगी, अर्निंग बेसिस पे होगी, अकरेंस बेसिस पे होगी। मतलब जैसे P&L अकाउंट बनाते हैं तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है तो जितना पे किया उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड करके दिखाते हैं। कमीशन अपन ने अर्न तो कर लिया लेकिन अपने को रिसीव नहीं हुआ, तो जो रिसीव नहीं हुआ वो रिसीव्ड हुए अमाउंट में ऐड होकर अपन लोग टोटल इनकम दिखा देंगे। देखो आगे, द रिजल्ट ऑफ सच अकाउंट, द रिजल्ट ऑफ सच अकाउंट विल बी आइदर, द रिजल्ट ऑफ सच अकाउंट विल बी आइदर सरप्लस और डेफिसिट। बेटा P&L अकाउंट तो बताता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या बताएगा, सरप्लस और डेफिसिट। भाई सरप्लस डेफिसिट क्यों बोला गया, भाई P&L का पर्पस तो था प्रॉफिट बताना, प्रॉफिट कितना हुआ, हालांकि इनको भी प्रॉफिट होता है पर इनका ऑब्जेक्टिव क्या नहीं था, तो इनको ऐसा नहीं बोलेंगे, तो ये लोग P&L की बजाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट और नेट लॉस की बजाय नेट प्रॉफिट को सरप्लस, नेट लॉस को डेफिसिट। अंडरस्टूड बेटा, चलो आगे लिखो, एक लाइन छोड़कर लिखेंगे। अच्छा लिखेंगे क्या पहले वो समझा देता हूँ। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। बेटा सोल प्रोप्राइटर पैसा लाता है तो उसे बिजनेस की बैलेंस शीट में कैपिटल बोल के दिखाते हैं। कैपिटल जो पार्टनर्स लेकर आते हैं उसे बिजनेस की कैपिटल है, पार्टनर्स कैपिटल बोल देते हैं, और जो शेयर होल्डर पैसा लाता है उसे शेयर कैपिटल बोल देते हैं। आपको सेवा करनी है उसके लिए आपने पैसों की जरूरत है कि नहीं, तो ये पैसे आएंगे कहाँ से, जो ये ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं वो लोग पैसा इकट्ठा करेंगे, सब्सक्रिप्शन लेकर आएंगे, सरकार के पास जाएंगे, नामी गिरामी लोगों के पास जाएंगे और बोलेंगे हमें डोनेशन दीजिए। तो जो भी पैसा ये इकट्ठा कर लेंगे वो किसी एक आदमी का नहीं होगा, किसी पार्टनर का नहीं होगा, किसी शेयर होल्डर का नहीं होगा, ये सब जगह से इकट्ठा किया हुआ, जनरेट किया हुआ पैसा होगा, जिसे फंड का नाम देंगे। क्या नाम देंगे, कैपिटल फंड, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मिला हुआ पैसा है जिसका ऑब्जेक्टिव टू रेंडर द सर्विस है। अंडरस्टूड। चलिए साहब आपको पैसा तो आया, जैसे एक साधारण बिजनेस में रेंट का पेमेंट होता है, इंटरेस्ट का इनकम अर्न होता है, इंटरेस्ट का पेमेंट भी करते हैं, सैलरी पे करते हैं, अनाप शनाप नॉर्मल जो बिजनेस एक्सपेंस होते हैं वो करते रहते हैं, लेकिन क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ स्पेसिफिक रिसीट्स आती हैं जिसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नॉर्मल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए अपन लोग जो अगला पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सम स्पेसिफिक आइटम्स। ठीक है, लिख लो बेटा, एक लाइन छोड़कर लिखिएगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सम, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सम स्पेसिफिक आइटम्स, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सम स्पेसिफिक आइटम्स। सबसे पहला लिखेंगे सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन
निकले बेटा, इसमें लिखो दिस इज द एनुअल अमाउंट, दिस इज द एनुअल अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स, पेड बाय द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, पेड बाय द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू कीप देयर मेंबरशिप, टू कीप देयर मेंबरशिप अलाइव क्या लिखा अपन ने, दिस इज द एनुअल अमाउंट ऑफ पेड बाय द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू कीप देयर मेंबरशिप अलाइव। बेटा अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बनते हैं तो आपको सालाना एक मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ेगा ताकि आप अपनी मेंबरशिप को क्या कर सकें, मेंटेन कर सकें, टू कीप देयर मेंबरशिप अलाइव। लिखो इसमें दिस इज ट्रीटेड, दिस इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू रिसीट, दिस इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू रिसीट एंड इट इज क्रेडिटेड टू, एंड इट इज क्रेडिटेड टू यस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्योंकि बेटा आप इसे इनकम मानते हैं और इनकम मानेंगे तो ये कहाँ चले जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। Treated as a revenue receipt and credited to income and expenditure account. Full stop. लिख लिया बेटा। देखो number two. Donation. Donation का मतलब जो organization का member है चाहे तो वो या जो इस organization का member नहीं है वो अपनी इच्छा से अगर organization को कोई contribution देता है, चाहे goods में contribution दे या चाहे असेट में कंट्रीब्यूशन दे या फिर कैश या चेक से पैसा दे, तो उसे अपन क्या नाम देते हैं, डोनेशन। बेटा डोनेशन कितने टाइप का होता है, दो टाइप। पहला होता है जनरल पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस। सब कुछ याद है ना, लिख लो बेटा इसमें। डोनेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स, डोनेशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन, जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन। नंबर टू, स्पेसिफिक डोनेशन। तो ये भी बताओ फिर, पता है तो जनरल डोनेशन का पैसा किसी भी पर्पस में काम में लिया जा सकता है, इसलिए इसे क्या मानेंगे, रेवेन्यू रिसीट, और इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट कर देंगे। लेकिन जो स्पेशल डोनेशन होता है, क्या वो किसी स्पेशल बस के काम है, उसे इनकम नहीं मान सकते, उसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी। लिखो जनरल डोनेशन। द अमाउंट ऑफ सच डोनेशन, द अमाउंट ऑफ सच डोनेशन कैन बी यूटिलाइज्ड, कैन बी यूटिलाइज्ड for any purpose by the organization, so it is treated as a revenue receipt and credited to income and expenditure account, and credited to income and expenditure account। निकले बेटा।
नेक्स्ट लाइन से लिखें, स्पेसिफिक डोनेशन, लिखेंगे दिस अमाउंट, दिस अमाउंट इज रिसीव्ड टू फुलफिल, दिस अमाउंट इज रिसीव्ड टू फुलफिल द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट सो so it is treated, so it is treated as a capital receipt, so it is treated as a capital receipt and will be shown in the liability side, and will be shown in the liability side of the balance sheet. बेटा गवर्नमेंट ने डोनेशन दे दिया, 5 लाख रुपए का सपोज डोनेशन दिया, और ये स्पेसिफाई नहीं किया कि डोनेशन आपको किस पर्पज के काम में लेना है, तो ऑर्गेनाइजेशन इसको अपनी बिल्डिंग का रेंट पे करने के काम में ले सकता है, सैलरीज का पेमेंट के काम में ले सकता है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के काम में ले सकते हैं, तो ये पैसा किसी भी पर्पस को, इसलिए से अपन ने क्या नाम दे दिया, जनरल डोनेशन, इनकम मान लिया अपन ने। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने कहा कि आपके स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए लाइब्रेरी नहीं है, बैठने के लिए उनके पास, खेलने के लिए प्लेग्राउंड नहीं है, हम ये पैसे दे रहे हैं 10 लाख रुपए, लाइब्रेरी बनाइए, प्लेग्राउंड बनाइए और हमें बताइए आपने बनाया है कि नहीं बनाया, तो ये जो 10 लाख रुपए का पैसा था, अब ये पैसा आप किसके काम में नहीं ले सकते, अदर पर्पज के काम में ही ले सकते, मेंटेनेंस के काम में ही ले सकते, जिस पर्पज के लिए मिला है उसी पर्पज के काम में लेंगे, तो आपके लिए पैसा जो है वो इनकम नहीं होगी, आपकी क्या होगी, कैपिटल रिसीट, और इसे आप क्या मानेंगे, जब तक ये पैसा आप काम में नहीं लोगे ये आपकी लायबिलिटी बनकर आपकी बैलेंस शीट पे शो किया जाएगा। एम आई क्लियर बेटा? एक लाइन छोड़कर थर्ड पॉइंट, एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस। अच्छा बताइए एंट्रेंस फीस क्या होती है, इसे मेंबरशिप फीस का भी नाम देते हैं, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन मेंबर बनता है तो उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, एंट्रेंस फीस। बेटा कुछ एक बार फीस ले लेते हैं और कुछ क्या एक बार लेते रहते हैं, हर साल में लेते रहते हैं, जैसा भी होता है। आपने ट्वेल्थ में एंट्रेंस फीस को रेवेन्यू रिसीट पढ़ा हुआ है ना, और बिना इन्फॉर्मेशन के आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर कर देते हो, बाकी क्वेश्चन में जैसा बोला 50% कैपिटलाइज को वैसा करते हैं। आईसीआई ने एंट्रेंस फीस को इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन कैपिटल रिसीट माना, आपने जो पढ़ा है उसमें थोड़ा सा चेंज कर लेना, रेवेन्यू के बजाय क्या मान लेना, कैपिटल। ठीक है, लिखो दिस इज ट्रीटेड, दिस इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिसीट, this is treated as a capital receipt and it is added to the capital fund, and it is added to the capital fund in balance sheet, इन बैलेंस शीट, फुल स्टॉप। लिख लिया बेटा? अगर ऑर्गेनाइजेशन की कोई पॉलिसी बनी हो तो जैसा पॉलिसी में बना हुआ है वैसा अपन लोग ट्रीट करेंगे। बोलता है कि भाई हम लोग एंट्रेंस फीस का 50% जो है वो कैपिटलाइज करते हैं और बाकी का 50% रेवेन्यू मानते हैं, और जिस साल में मिलता है उस साल को इनकम मानकर उसे ट्रांसफर कर देते हैं। तो 2 लाख मिला, 5 लाख मिला, 5 लाख का 50%, 2.5 लाख इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बाकी का 2,50,000 बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में आ जाएगा। ऑल क्लियर बेटा? सबको समझ में आया? नंबर थर्ड के बाद में फोर्थ, लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस।
जब किसी मेंबर ने कम ऑर्गेनाइजेशन से कहा कि भाई मैं तो आपका एनी टाइम क्या बना रहना चाहता हूँ मेंबर, यानी कि जब तक मेरी लाइफ रहेगी, जब तक मैं जिंदा रहूँगा, मैं आपके इस ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना रहना चाहता हूँ, बताइए मुझे लाइफ टाइम मेंबर बने लेने के लिए क्या करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन ने कहा आपको इतने पैसे लमसम पे करने पड़ेंगे, इसके बाद आपको लाइफ में दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ये आदमी कितने साल जिएगा अपने को पता है क्या? क्या ये पैसा जिस साल में मिला केवल उसी साल की इनकम मानी जाएगी क्या? ये पैसा तो पूरे लॉन्ग टर्म तक काम में आएगा, इसलिए इसे जिस साल में मिला है उस साल की इनकम नहीं मानते और उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट भी नहीं करते, तो कहीं ना कहीं तो शो करना पड़ेगा। तो आप इसे कैपिटल रिसीट मानते हो और बैलेंस शीट में शो करते हो, ठीक है? लिखो, दिस इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिसीट, दिस इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल रिसीट एंड शोन इन द लाइबिलिटी साइड एंड शोन इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ओके बेटा, अच्छा फोर के बाद में एक और पॉइंट होता होगा, लेगेसी का नाम सुना? लेगेसीज मतलब जब कोई पर्सन की डेथ हो रही हो और उसने मरने से पहले कोई वसीयत बनाई हो, विल बनाई हो, है ना? लिखिए, दिस इज द अमाउंट रिसीव्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द अमाउंट received by the organization as per the will, will, as per the will of deceased person and it is treated as a capital receipt and will be recorded in liability side and will be recorded in the liability side of balance sheet. Okay? पांच पॉइंट हो गए बेटा, एक सिक्स पॉइंट और लिख लें। ऑनरेरियम HONORARIUM ऑनरेरियम बेटा, ऑनरेरियम का मतलब होता है इन द नेम ऑफ ऑनर टू समवन, हम उसके उसके बेनिफिट के लिए कोई पैसा खर्च कर दें या उसके ओनर में कोई पैसा खर्च कर दें, उसे क्या नाम देते हैं? ऑनरेरियम। मान लीजिए कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, वहाँ पे कोई टीचर, जैसे मान लीजिए कोई भी पर्सन अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए संडे को 2 घंटे जाके या सैटरडे को 2 घंटे जाके टॉपिक पढ़ा रहा है और उसके बदले में वो ऑर्गेनाइजेशन से कोई पैसा या सैलरी रिसीव नहीं कर रहा, तो वो अपने मन की इच्छा से, अपने इंटरनल जैसे कहते हैं खुशी के लिए कि यार मैं जाकर गरीब बच्चों को या फिर जो कमज़ोर बच्चों को पढ़ाकर अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ, बदले में कोई पैसा नहीं ले रहा। अच्छा क्या ये पर्सन उस ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय बनेगा क्या? नहीं, ही इज़ नॉट द एम्प्लॉय, वो अपनी इच्छा से सर्विस दे रहा है बेटा। अब वो सैलरी तो नहीं लेगा, लेकिन मान लीजिए कभी साल के एंड में कोई एनुअल फंक्शन हुआ या किसी भी तरह का कोई फंक्शन बनाया गया, तो उसमें उस ऑर्गेनाइजेशन ने इनके ओनर देने के लिए, सम्मान के लिए 1 रुपए का भी पैसा अगर खर्च कर दिया तो उसे क्या नाम देंगे? ऑनरेरियम का। ठीक है, लिखो, दिस इज द अमाउंट पेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन दिस इज द अमाउंट
पेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू दैट पर्सन, टू दैट पर्सन हु प्रोवाइड्स हिज सर्विसेज, हु प्रोवाइड्स हिज सर्विसेज voluntarily, who provides his services voluntarily, बेटा voluntarily का मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा से, who provides his services voluntarily to the organization, अगर salary pay किए होते तो salary एक revenue expense हुआ होता, ये सैलरी बोल के ना बोल के क्या बोल दिया जाता है, ऑनरेरियम, तो ये भी एक रेवेन्यू एक्सपेंस है, लिखो दिस इज ट्रीटेड, दिस इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस, दिस इज ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस एंड debited to and debited to income and expenditure account and debited to income and expenditure account. बेटा ये छोटे छोटे वो पॉइंट्स थे जो कि अपने को स्पेसिफिकली क्या है हर टॉपिक में डिस्कस करने हैं. इसके अलावा जैसे अपन ने फाइनल अकाउंट्स बनाए थे तो छोटे मोटे एडजस्टमेंट चलते रहते हैं, वही एडजस्टमेंट हमारे इस चैप्टर में भी आएंगे. अब एक बात बताओ, हमारे पेपर में इस चैप्टर में से किस तरह के प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे. ट्वेल्थ में आप लोगों के रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से क्या बनाना आता था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और आप बनाते थे बैलेंस शीट. बेटा ओपनिंग बैलेंस शीट तब बनाई जाती थी जब आपको क्वेश्चन में कैपिटल फंड गिवन नहीं होता. अगर क्वेश्चन में पहले से क्या गिवन है, कैपिटल फंड, तो अपन क्या नहीं बनाते, ओपनिंग बैलेंस शीट, सीधे क्या बना देते हैं, क्लोजिंग. हमारे एग्जाम में भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से क्या बनाने को पूछ सकता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन होगा, बैलेंस शीट गिवन होगी, और उससे आप क्या बनाएंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट. ठीक है बेटा, अब हम लोग जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो ये बात तो तय है कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, जैसा कि मैंने कहा, इट इज़ द रेप्लिका ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में केवल करंट ईयर की अर्न्ड इनकम वेदर रिसीव्ड और नॉट, और एक्सपेंसेस रिलेटेड टू करंट ईयर वेदर दे हैव बीन पेड इन कैश और नॉट दे आर रिकॉर्डेड. तो अगर अपने को कोई इनकम करंट ईयर की तो है लेकिन रिसीव नहीं हुई, या फिर जितना पैसा रिसीव हुआ जरूरी नहीं है वो पैसा केवल करंट ईयर का ही मिला हो, हो सकता है कुछ पैसा पिछले साल का मिला हो, हो सकता है कुछ पैसा नेक्स्ट ईयर का मिल गया हो, उसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में 1000 मेंबर है, 1000 मेंबर, हर मेंबर साल का सपोज 1000 रुपये देता है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 रुपये, 1,000,000 रुपये का सब्सक्रिप्शन हो गया. क्या जरूरी है कि हर मेंबर जितना पैसा उसे देना उतना उस साल में ही देगा, कुछ लोग का पैसा इस साल में बाकी भी तो रह सकता है. बेटा बोलिए, हो सकता है कुछ मेंबर्स ने कुछ दिनों साल का पैसा एडवांस में ही दे दिया हो, या जिन लोगों का पिछला बकाया था उन्होंने करंट ईयर का भी दिया और पिछले साल का बकाया भी इस साल में दिया. तो जितना मिला वो जरूरी नहीं है कि सारा अपने इनकम हो, अपने को असर्टेन करना पड़ेगा कि करंट ईयर की इनकम कितनी है, चाहे अपने को रिसीव हुई और चाहे रिसीव नहीं हुई. इसके लिए एक स्टेटमेंट बनाएंगे, एक पूरा लाइन छोड़कर नया टॉपिक लिखें, स्टेटमेंट of calculation of income, statement of calculation of income to be credited to income and expenditure account. बेटा जब हम लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे होंगे तो रिसीट एंड पेमेंट के रिसीट साइड में जितना पैसा करंट ईयर में रिसीव हुआ होगा वो सब पहले से गिवन होगा,
है ना, उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कितनी इनकम मानी जाएगी कितनी इनकम नहीं मानी जाएगी। लिखो अमाउंट रिसीव्ड या फिर इन करंट ईयर, हम स्पेसिफिकली ईयर के बारे में बात कर लें, अमाउंट रिसीव्ड इन करंट ईयर। अब दो बातें एडजस्ट होगी, दो बातें एड और दो बात लेस। एड आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ करंट ईयर, ऐसी इनकम जो है तो करंट ईयर की लेकिन अभी तक अपने को रिसीव नहीं हुई, उसे ऐड कर देंगे अपन लोग। अच्छा, हो सकता है कि कुछ सब्सक्रिप्शन पिछले साल ही हमको क्या मिल गया हो, एडवांस, लेकिन वो पिछले साल की इनकम नहीं थी बेटे, वो इनकम किस साल की है, इस साल की। तो एड एडवांस रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर बट दैट हैज टू बी रिलेटेड टू करंट ईयर। हो सकता है पिछले साल हमें आगे आने वाले तीन साल का क्या मिल गया हो एडवांस, लेकिन जो पिछले साल में केवल करंट ईयर का मिला था ना, वही यहां पे ऐड करना है। इसमें से बेटे दो आइटम लेस हो जाएंगे, लेस आउटस्टैंडिंग इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर जो अपने को रिसीव कब हुई, करंट ईयर में, जो कि इसमें इंक्लूडेड थी, लेस एडवांस रिसीव्ड इन करंट ईयर। अब एडवांस रिसीव इन करंट ईयर है तो ऑब्वियसली बात है रिलेशन करंट ईयर से तो नहीं है, या तो नेक्स्ट ईयर से होगा या नेक्स्ट ईयर से हो सकता है। भाई इस साल में हमने अगले साल का ही पैसा ले लिया, उससे भी अगले साल का, उससे भी अगले साल का, मान लो पैसा ले लिया, देता है कोई मेंबर कि 5 तो देना है साल के, ये लो 20,000 पकड़ो 4 साल के एक बार, आपको टेंशन ही नहीं है, पैसे काम में भी ले सकते आप। अंडरस्टूड ना, आपका अमाउंट हो जाएगा लेस। बेटा जो बैलेंसिंग फिगर निकल कर आएगा, क्या वो करंट ईयर की वो इनकम होगी जिसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर करेंगे। लिखो इनकम टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बेटा समझ में आया क्या आपको? अच्छा, कैन बी यूज द सेम स्टेटमेंट फॉर द एक्सपेंस ऑल्सो? चेंज क्या हो जाएगा देखें, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। सही बोला बेटा, यहाँ पे अपन ने लिखा क्या है, अमाउंट रिसीव्ड, अपन लिखेंगे अमाउंट पेड। अब जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग था पे करना, वो ऐड हो जाएगा। प्रीवियस ईयर में प्री पेमेंट हो गया था बेटा, 2019 का प्री पेमेंट 2020 का माना जाएगा, दोनों ऐड कर देंगे। अगर करंट ईयर में पिछले साल का कोई आउटस्टैंडिंग का पेमेंट होगा तो वो एक्सपेंस था किस साल का, तो लास्ट ईयर खर्चा बना होगा, अपन तो इस साल भले ही पे कर दिया बट वो एक्सपेंस करंट ईयर का नहीं है, तो उसे क्या कर देंगे, माइनस। अच्छा, हमने करंट ईयर में अपकमिंग ईयर या अपकमिंग ईयर्स का पेमेंट एडवांस में कर दिया, वो खर्चा भले ही अपन ने पेमेंट कर दिया लेकिन वो रिलेशन इस साल से नहीं रखता, इसलिए उसे लेस कर देंगे। अब आंसर क्या आएगा, एक्सपेंस टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। होपफुली बात क्लियर हो गई होगी, प्लीज चेक इलस्ट्रेशन नंबर सेकेंड। सेकेंड इलस्ट्रेशन पेज नंबर 9.6 है बेटा। देखो, ड्यूरिंग 2020 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन कैश ₹42,000। जैसे ही ड्यूरिंग 2020 बोला, यानी हमारा करंट ईयर 2020 समझ में आ गया हमारे को, कि हम जो भी पंचायती करेंगे वो किस साल की होगी, 2020। इज ₹42,000, इट इंक्लूड्स ₹1,600 फॉर 2019 एंड ₹600 फॉर 2021। बेटा 2019 हो गया प्रीवियस ईयर और 2021 हो गया नेक्स्ट ईयर, और लास्ट में एक बात बोला है,
कि ₹3,000 हैड स्टिल टू बी रिसीव फॉर 2020। तीनों इन्फॉर्मेशन गिवन है, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर, एडवांस रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर एंड आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर, तीनों गिवन है। रिक्वायरमेंट देखिए क्या लिखा है, कैलकुलेट द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इन रेस्पेक्ट ऑफ सब्सक्रिप्शन। अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट करें तो अपने को रिसीव कितना हुआ 42, इसमें से आउटस्टैंडिंग जो था प्रीवियस ईयर का 2019 का ₹1600 लेस कर दे बेटा, 2021 यानी कि एडवांस ईयर का ₹600 वो भी लेस कर दें हम लोग, और जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है 3000 उसे ऐड कर दें बेटा, कितना आया 42,800। ये अपना जो आंसर इन्होंने मांगा था वो तो कर दिया अपन ने, भाई टू बी क्रेडिटेड टू इनकम आ गया। लेकिन अगर अपने को इसी से क्या बनाना हो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया अपने 12th क्लास में, आंसर देना सब्सक्रिप्शन अकाउंट। कोई भी इनकम अकाउंट या कोई भी एक्सपेंस अकाउंट होते नॉमिनल नेचर की है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस है कि इनकम है, इनकम मिली किसके नाम में मिली, सब्सक्रिप्शन के नाम में। एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, दोबारा बोलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, बाय बैंक, यस बाय बैंक 42,000 rupees, अंडरस्टूड। नाउ बेटा हमने जो माइनस किया है यानी अपन ने उस इनकम को रिड्यूस किया, और जो प्लस किया यानी अपन ने उस इनकम को इंक्रीज किया। इनकम का नेचर होता है क्रेडिट, अगर हमें उसे डिक्रीज करना है तो क्या कर दें डेबिट, इंक्रीज करना है तो क्या कर दें क्रेडिट। तो कैन आई राइट 3000 टू द क्रेडिट एंड 600 टू द डेबिट, पहले तो लिख लो 3000 रुपी क्रेडिट में लिख दिया, 1600 रुपीस डेबिट में लिखा और 600 रुपीस डेबिट में लिख दिया बेटा। अब इसका रेफरेंस देना पड़ेगा, वाई दे हैव क्रेडिटेड, वाई है दे हैव डेबिटेड, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे बाय आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर 2020 का आउटस्टैंडिंग 3000 है बेटा, ये 1600 आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर है बेटा जो कितना रुपया आ गया 1600, और ये 600 जो अपने को मिला वो एडवांस है, एडवांस इन करंट, नॉट एडवांस ऑफ करंट ईयर, एडवांस ऑफ करंट ईयर तो पिछले साल मिला था, एडवांस इन करंट ईयर रुपीज 1600। अब अगर इसका आप बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे इट वुड कम रुपीज 42,800। अच्छा ये कहाँ ट्रांसफर होगा, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, क्रेडिट, और ये अकाउंट क्या होगा, एंट्री बोलो सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर रुपीज 42,800। हाँ जी मान लो आपको समझ में आया, का कॉपी में करेंगे या घर से करेंगे, पक्का कर लोगे। इलस्ट्रेशन नंबर 3, एक्सपेंस के बारे में गिवन है, सैलरी के बारे में गिवन है। इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखिए, सपोज सैलरी पेड ड्यूरिंग 2020 वर रुपीज 23,000, आगे लिखा है द फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, सैलरीज अनपेड ऑन 31st March 2019, यानी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था 1400, सैलरीज प्री पेड ऑन 31st March 2019, बेटा 2019 के एंड में प्री पेमेंट था, तो 2019 का प्री पेमेंट 2020 के लिए रहा होगा, यानी ये एक्सपेंस है करंट ईयर का, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने पे पिछले साल ही कर दिया था तो ये तो ऐड हो जाएगा, और दूसरा पहले वाला जो क्या हो जाएगा वो लेस हो जाएगा। अच्छा अनपेड ऑन 31st March 2020 ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ऐड होगा बेटे, और प्री पेमेंट है 2020 में, यानी कि लेस हो जाएगा। ठीक है, अगर अकाउंट अपन बनाए तो सैलरी अकाउंट बनेगा बेटा, चले सैलरी अकाउंट हो चाहे कोई इनकम अकाउंट होते सारे ही नॉमिनल अकाउंट है। सैलरी पे करने की एंट्री बोलिए सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक अकाउंट, हाउ मच अमाउंट ऑफ सैलरी वी पेड 23, बेटा मैथमेटिकली जो प्लस किया था उसे अकाउंट के हिसाब से डेबिट कर दिया जाए और जो रिड्यूस करना था उसे क्रेडिट कर दें। देखो पहले बताना ये 1400 प्लस करा था कि माइनस, माइनस, तो उसे क्रेडिट में डाल दें,
1400 रुपीज। 400 रुपये आपने क्या किया था? तो क्योंकि एक्सपेंस है उसे इंक्रीज कर दे बेटा, डेबिट कर दे। नेक्स्ट बोलो, 1800 अपन ने क्या किया था? प्लस, उसे प्लस यानी डेबिट में कर दे बेटा। और माइनस क्या किया था? 600। इसे क्या कर दें? क्रेडिट। अब अपने को रेफरेंस देना पड़ेगा। ये जो 400 है ये किस चीज़ के हैं? प्री पेमेंट है क्या? लास्ट ईयर में प्री पेमेंट हुआ होगा तो अपन एंट्री कर देंगे सैलरीज अकाउंट डेबिट टू प्री पेड सैलरी। प्री पेड सैलरी कौन से ईयर में की गई थी? 2019। तभी तो उसका रिलेशन किस साल से बना था? करंट ईयर से। अंडरस्टूड बेटा? ये 1800 रुपये किस चीज़ का है? करंट ईयर का। अपन ने फाइनल अकाउंट्स बनाए थे, सैलरी अकाउंट डेबिट सैलरी। ये आउटस्टैंडिंग सैलरी का रिलेशन 2020 से है बेटे। 1400 रुपये के बारे में क्या लिखा है? आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर है क्या? हाँ जी, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख दें इधर, बाय आउटस्टैंडिंग सैलरीज। इसका रिलेशन कौन से वाली आउटस्टैंडिंग से था? 2019 से था। आगे क्या लिखा है? प्रीपेड। क्या ये प्री पेमेंट करंट ईयर में हुआ है? तो प्रीपेड बाय प्रीपेड सैलरी। प्रीपेमेंट सैलरी कौन से ईयर में की गई है? 2020 में प्रीपेमेंट करोगे उसका रिलेशन 2021 से, 2019 में प्रीपेमेंट करोगे उसका रिलेशन 2020 से। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? बनाना आ गया सभी को? समझ में आ गया? इलस्ट्रेशन नंबर सेकंड थर्ड। अब कॉपी में करें तो भी ठीक, नहीं करें तो ठीक, लेकिन अभी जो बाकी के इलस्ट्रेशन करेंगे वो कॉपी में करने वाले हैं, ठीक है? इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपको होमवर्क में करना है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। 5 हम लोग क्लास में करेंगे। 6 नंबर देखो, अरे बुक चाहिए मेरे को, आप पिचेस ले लो ना, पिचेस ले लो बेटा, 2 है उनके पास। इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखिए। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 2020, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय द जयपुर लिटरेरी सोसाइटी वर ₹4,50,000। कुल मिलाकर सब्सक्रिप्शन कितना मिला? 4,50,000। आप लोग बेटा मुझे एंट्री बोलते जाओ। 4,50,000 का सब्सक्रिप्शन मिला, एंट्री बोलिए। चेक द सॉल्यूशन, बाय बैंक 4,50,000 आ रहा है बेटा। पेज नंबर 9.13, इलस्ट्रेशन नंबर 6। These subscription include ₹20,000 received for the year ended 31st March 2019। क्या ये पिछले साल का बाकी हमें करेंट ईयर मिला बेटा? इसे माइनस करेंगे अपन, क्रेडिट में लिखें या डेबिट में लिखें? डेबिट में। देखो डेबिट साइड में 2 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000 लिखा हुआ आ रहा है। आगे, ऑन 31st March 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर ₹15,000। ये वो है 15,000 जो करंट ईयर का है लेकिन अभी तक अपने को रिसीव नहीं हुआ। इनकम है बेटे हमारी, देखिए इनकम साइड में 15,000 आ रहा है बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ब्रैकेट में किस ईयर का रेफरेंस है? 2020। क्लियर ऑन दिस? आगे देखें, एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020 बट पर्टेनिंग टू ईयर 2021 अमाउंटिंग टू ₹26,000। 2020 के ईयर एंड तक मिले हुए एडवांस हैं 26,000 रुपये जिसका रिलेशन 2021 से है। इसे लेस करेंगे या ऐड करेंगे? इनकम क्रेडिट होती है, इसे डिक्रीज करें तो डेबिट कर दें बेटा। देखो डेबिट साइड में लिखा हुआ है 26,000 टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट। आगे, द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 इंक्लूड्स 18,000 पर्टेनिंग टू ईयर 1920। थोड़ी सी गलती हो गई, इनको ये लिखना चाहिए था सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019 लिखना चाहिए था एक्चुअली। यहाँ पे गलती से इन्होंने क्या लिख दिया? 2020 लिख दिया। भाई एडवांस तो अपने को अगर पिछले साल में मिला हो जिसका रिलेशन 2019 और 20 यानी करंट ईयर से हो तो मिलेगा तो पिछले साल ही ना बेटा। अच्छा, कितने रुपये का एडवांस मिला था प्रीवियस ईयर? मिला था एडवांस
पिछले साल में, जिसका रिलेशन किससे है, करंट ईयर से प्लस होगा बेटा। कितना रुपीस प्लस होगा देख लो, बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन 18,000 प्लस बोल के आया। अब हम लोग जो मैथमेटिकली प्लस माइनस करके निकालते वो अकाउंटिंग में बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। और सब्सक्रिप्शन एक इनकम है, इनकम का टोटल करके ट्रांसफ़र कहाँ पे कर देते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एंट्री बनाते टाइम ध्यान रखना कि ये इनकम है, इसको क्लोज करेंगे तो क्रेडिट से क्या हो जाएगी, डेबिट। और ट्रांसफ़र कहाँ कर देंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में। एंट्री बोलो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखो बेटा, सब्सक्रिप्शन के डेबिट में टू इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन बोला हुआ है, अपन सीधा सीधा क्या लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर रुपीज 4,37,000। अंडरस्टूड? वेरी नाइस, कर लेंगे ये कॉपी में। इलस्ट्रेशन नंबर 7, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020। अ क्लब हैज 350 मेंबर्स, कितने मेंबर है बेटा, 350, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ रुपीज 1050। बेटा ईच पेइंग का मतलब ये नहीं है कि इन्होंने पे कर दिया क्या, ईच पेइंग मतलब एवरी पर्सन हैज टू पे रुपी 1050। ऑन योर कैलसी 350 मल्टीप्लाई बाय 1050, दिस इज द इनकम फॉर द ईयर। अब इतना मिल गया बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर शोड अ सम ऑफ रुपी 4,10,000 रिसीव्ड एज सब्सक्रिप्शन। पहले मुझे 4,10,000 रुपए के मिले हुए की एंट्री बोलिए। बैंक अकाउंट पक्का, सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट साइड में 4,10,000 आएगा बेटा, चेक द सॉल्यूशन। आ गया 4,10,000। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में और इसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में एक चीज का डिफरेंस है। पिछले क्वेश्चन में तो अपन ने इनकम कितनी होनी चाहिए वो निकाली, और इस क्वेश्चन में 367,500 जो आप मुझे बता रहे थे ये ऑलरेडी अपने को दिया हुआ, इतना होना चाहिए। ये जो 360 कितना फिगर बोले आप, 367,500, इसको पता चल गया कि इसे सब्सक्रिप्शन से निकालेंगे और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डालेंगे। एंट्री क्या होगी, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, चेक द सॉल्यूशन, डेबिट साइड में टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर 367,500 आ गया बेटा। आगे चलिए, द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। बेटा करंट ईयर था हमारा 31 मार्च 2020, और अपने को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2019 का कितना दिया हुआ है, 45। इसे माइनस करेंगे अपन लोग, माइनस करेंगे मतलब डेबिट में लिखेंगे। देखो डेबिट साइड में आया 45 टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ब्रैकेट में डाला है 2019। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st March 2020 62,000, ये एडवांस में मिला, लेस होगा बेटे, डेबिट लिखें इसको, कितना लिख देंगे 62,000। ऑल क्लियर? नाउ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st March 2019, पिछले साल में मिला था करंट ईयर का, क्या हो जाएगा, एड। देखो क्रेडिट में आ गया बेटा। अब आप देखो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में कुछ लिखा हुआ था क्या, लास्ट में लिखा था क्या, शुरू में लिखा था कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ऑब्वियसली बात है, दो साल का एडवांस दिया हुआ है, पिछले साल का, करंट ईयर का, एक साल का आउटस्टैंडिंग दिया है पिछले साल का। इनकम पता चली गई तो बैलेंसिंग फिगर आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर होगा। अब तक अपने को चार इन्फॉर्मेशन होता है, पाँच होती है एक्चुअली, रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर, एडवांस रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर इन करंट ईयर, एंड वी फाइंड द बैलेंसिंग फिगर ऑफ इनकम विच इज ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बेटा इस क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन वही गिवन है पांचों, बट थोड़ी चेंज हो गई, रिसीव्ड गिवन है, इनकम पता है, आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर पता है, एडवांस इन करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर पता है, क्या गायब हो गया, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। द बैलेंसिंग फिगर ऑफ दिस अकाउंट विल बी आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। ऑल क्लियर बेटा, कॉपी में कर लीजिएगा, कोई डाउट है तो पूछ लेना। आगे का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, एकदम सीधे बैठिए और जो भी पढ़ा रहा हूँ उसे बहुत सोच समझ के आपको जवाब देना होगा जो भी मैं क्वेश्चन पूछूँ। बेटा डोनेशन मिला, जनरल पर्पस डोनेशन मिला,
मान लीजिए नॉर्मल डोनेशन मिला है 5 लाख रुपए का, स्पिक द एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन, क्योंकि मैंने इसे क्या माना अपनी इनकम, इसे कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एकदम इजीली बात समझ आती ना। एक ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए मैच ऑर्गेनाइज करवाने थे, कोई मैच टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाने थे या कोई स्पोर्ट्स मटेरियल खरीदना था, उसके लिए गवर्नमेंट से क्या मिला, डोनेशन। तो क्या ये डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस डोनेशन है? एंट्री हुई डोनेशन मिलने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन फॉर टूर्नामेंट या डोनेशन फॉर मैच। देखो एंट्रीज कैसे बनती हैं और क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। नॉर्मल डोनेशन मिला था, अपन एंट्री बोले थे बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन, इनकम आनी थी अपन ने, डोनेशन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब की बार डोनेशन किसके लिए मिला, मैच के लिए, एंट्री बोलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन फॉर मैच। क्या मैं इस डोनेशन का पैसा किसी भी पर्पस में काम में ले लूंगा क्या? पक्का? तो मैं इसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर नहीं करूंगा, इस पैसे को मैं एक स्पेसिफिक फंड में ट्रांसफर कर दूंगा। और क्योंकि ये पैसा किसके लिए मिला है, मैंने इसे यहां से निकाला, डोनेशन फॉर मैच अकाउंट डेबिट टू मैच फंड। वेरी नाइस, आज समझ में आ गई बेटा। मान लीजिए आपको डोनेशन मिला 2 लाख रुपए का, अब आगे की बात ध्यान सुनिएगा। ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन मिला था 1st of April 2020। ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा कि यार अप्रैल में मिला है, अप्रैल में धीरे धीरे गर्मियां शुरू हो जाती है, ऑर्गेनाइजेशन मैच थोड़ा लंबा टाइम तक चलाएगा, अप्रैल मई जून भयंकर गर्मी के दिन होते हैं, बच्चों खिलाएंगे बीमार पड़ सकते हैं, दिक्कत हो सकती है, पोस्टपोन कर दिया। दिमाग सोच, दिमाग लगा रहे हैं कि ऐसा ऐसा जून निकलेगा, जुलाई अगस्त में क्या आ जाएंगे, बारिश, सेप्टेम्बर अक्टूबर में आ जाएंगे दिवाली, ठंड के टाइम में क्या करेंगे, जनवरी के आसपास क्रिकेट्स खिलवा लेंगे, फुटबॉल खिलवा लेंगे, जो भी मैच होंगे सब करवा लेंगे। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 9 महीने पहले मिला हुआ पैसा ऑर्गेनाइजेशन 9 महीने बाद काम में लेगी कि नहीं लेगी। ऑर्गेनाइजेशन ने दिमाग लगाया कि इस पैसे को क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट। अब ये जो पैसा अपने को मिला था, क्या ये पैसा किसी भी पर्पज में काम आ सकता था? ऑर्गेनाइजेशन दिमाग लगाया, ये पैसा काम नहीं आ सकता, इसको इन्वेस्ट कर दें और इन्वेस्ट करने पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो तो अपनी इनकम होगी कि नहीं होगी। इस इनकम को क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट के पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, पैसा कमा लेंगे, इंटरेस्ट का पैसा अपनी जेब में, अपनी जेब मतलब इनकम में ट्रांसफर कर देंगे, बाकी के 2 लाख रुपए टूर्नामेंट या मैच ऑर्गेनाइज करवा लेंगे। ऑर्गेनाइजेशन के दिमाग में एक ख्याल, अगर 9 महीने ही इन्वेस्टमेंट करेंगे तो केवल ब्याज कितने महीने का आएगा, 9 महीने का, और अगर हम 1 साल मैच नहीं भी करवाएं तो और 12 महीने का ब्याज आएगा कि नहीं आएगा। तो जो इनकम अभी केवल कितने मंथ्स की थी, 9 मंथ्स की, वो 12 महीने की हो जाएगी। और 1 साल नहीं खिलाएंगे तो बच्चों को क्या हो जाएगा, 2 साल मत खिलाओ, 2 साल का ब्याज जो आएगा वो अपनी इनकम होगी कि नहीं होगी, ये लालच तो बढ़ता चला जाएगा ना। सोचा क्या करेंगे, मैच करवा के इसको कहीं पर जमा रखो, इन्वेस्टमेंट, तो ये पैसा तो काम आएगा नहीं, लेकिन इस पर जो हर साल इंटरेस्ट होगा वो हमारी इनकम होगी कि नहीं होगी। ये तो गवर्नमेंट के दिए हुए पैसे का मिस यूटिलाइजेशन करना हो गया कि नहीं हो गया। गवर्नमेंट है वो, गवर्नमेंट ने बोला अच्छा तुम इस पैसे से कोई भी इनकम कमाओगे, वो पैसा भी उसी पर्पस के काम में लेना होगा जिस पर्पस के लिए हमने आपको पैसा दिया था। बेटा रोक लग गई ना मिस यूटिलाइजेशन पे। खैर टॉपिक समझ में आया मैंने क्या बोला, ये पैसे जो थे आपके पास 2 लाख, जैसे आपने अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 2 लाख रुपए में क्रेडिट कर दिया, ये पैसे आप कितने महीने बाद काम में लेंगे, 9 महीने। चलिए फॉर द वेलफेयर ऑफ द इंस्टीट्यूट, फॉर द वेलफेयर ऑफ द नेशन, और इस पैसे से अगर कोई इनकम भी आ जाएगी
तो वो इनकम भी इस पर्पज में काम आ जाएगी। क्यों ना इसे क्या कर दें, इन्वेस्ट। बेटा नॉर्मल पैसे का जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नॉर्मल एंट्री पास होती है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन यहाँ पर जो ये पैसा हम लोग निकाल रहे हैं और जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो जनरल पर्पज है या पर्पज है, तो अपने को नाम भी इन्वेस्टमेंट का स्पेसिफिक डालना पड़ेगा, मैच फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैच फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना रुपीज बेटे हो गया, 2 लाख या 2 लाख, चलो 1 लाख रुपए अपन ने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। ऑल क्लियर बेटा। 9 महीने का अपने को क्या मिला होगा, इंटरेस्ट। मान लो 12% के हिसाब से 9 महीने का 9000 मिला। नॉर्मली इंटरेस्ट मिलने की एंट्री बोले बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, लेकिन क्या ये इंटरेस्ट नॉर्मल इन्वेस्टमेंट पे मिला हुआ इंटरेस्ट है, स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट पे मिला हुआ इंटरेस्ट है? यस सर। तो अभी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अगर नॉर्मल इन्वेस्टमेंट होता तो अपन लोग क्या लिखे होते, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, लेकिन अब लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, दैट इज रुपीज 9000। इंटरेस्ट होता बेटा तो उसे P&L अकाउंट में या इस चैप्टर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर किया होता, तो एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, अंडरस्टूड ना। लेकिन ये पैसा भी किसके काम आएगा, मैच के लिए, मैच के लिए। और उस मैच का पैसा कहाँ डाल रखा था अपन ने, तो इसे भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं डालेंगे, टू मैच फंड, अंडरस्टूड बेटा। कितना रुपीज आया, 9। क्या बात सभी को समझ में आ गई, वेरी नाइस। बेटा आपके पास मैच फंड का बैलेंस पहले से क्रेडिट कितने रुपए से था, 2 लाख। ध्यान से देखिए, क्या एक बार मैच फंड और क्रेडिट हो गया, एंड इंटरेस्ट कितना रुपीज, टोटल बोलो, ऑल क्लियर ना। जैसे अपन लोग रेंट वगैरह पे करते हैं वैसे ही हम लोग ने मैच ऑर्गेनाइज करवाए होंगे, और मैच ऑर्गेनाइज करवाने पर अपने को क्या मिला होगा, पैसा खर्च किया होगा अपन ने। एंट्री बोलिए, मैच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, नॉट मैच फंड, एंट्री होती है पैसा खर्च करने की, मैच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, अंडरस्टूड बेटा। आपके पास मैच एक्सपेंस आपने कर दिए सपोज कितने रुपीज के, 2 लाख। आपको पता होगा मैं आगे क्या बोलने वाला हूँ, है ना। एक्सपेंस कितना किया, एंड वी हैड द फंड्स ऑफ रुपीज इक्वल टू और मोर देन द फंड्स अमाउंट, कैन वी एडजस्ट दिस 2 लाख फ्रॉम द मैच फंड और शुड बी डेबिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। हम 2 लाख को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि ये पैसा मिला हुआ इनकम मानी तो उसे जनरल एक्सपेंस भी नहीं माना जाएगा। जब तक इस पैसे को पूरा काम में नहीं ले लेंगे, बर्डन आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। सही बोल रहा हूँ कि मैं? एंट्री कहाँ से पैसा निकालेंगे, मैच फंड से। एंट्री बोलो, मैच फंड अकाउंट डेबिट टू मैच एक्सपेंसेस, कितना रुपीज, 2 लाख। ऑल क्लियर ना बेटा। अब सिचुएशन क्या बनेगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो कुछ जाएगा नहीं, बस बैच फंड जो होगा वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में 9000 का बैलेंस शो कर रहा होगा, बिकॉज वी क्रेडिटेड 2 लाख प्लस 9, 2 लाख 9000 एंड डेबिटेड 2 लाख, द बैलेंस लेफ्ट इन द अकाउंट इज 9000। ऑल क्लियर। मान लो एक्सपेंस का इक्वल होता 9 लाख, 2 लाख 9000 ही खर्च करते तो एंट्री क्या होती, मैच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 लाख 9000 रुपये, मैच फंड अकाउंट डेबिट टू मैच एक्सपेंसेस 2 लाख 9000। मान लीजिए आपने एक्सपेंस कर दिए 2 लाख 10 हज़ार, थोड़ा ज़्यादा करा, मान लो 2 लाख 25 हज़ार रुपये का एक्सपेंस कर दिया आपने। अब आपके पास मैच फंड में पैसे थे कितने, मैक्सिमम चार्ज भी किससे करोगे, मैच फंड से 2 लाख 9 हज़ार चार्ज कर लोगे। कितना पैसा एक्सेसिव खर्च हो गया, 16 हज़ार कहाँ से निकालेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू मैच एक्सपेंसेस अकाउंट। एम आई क्लियर, कितना रुपीज।
आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बेटा। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए समझाया गया ताकि हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 5 और जब हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर से क्या बनाना सीखेंगे, रिसीट एंड पेमेंट, वहाँ पर अपने को समझ आ जाए। एक बार फटाफट एंट्री चिकना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल बोलिएगा, प्री एंट्री बराबर बोलनी है, ठीक है। नॉर्मल डोनेशन मिलता तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन। अपने को मिला स्पेशल पर्पस डोनेशन जिसका नाम था डोनेशन फॉर मैट। बोलिए बैंक अकाउंट कितना मिला, क्या हम ये पैसा इनकम माने अपने, स्पेशल फंड में ट्रांसफर करना पड़ेगा। एंट्री बोलिए डोनेशन 2 लाख रुपए बेटा इन्वेस्टमेंट करते तो एंट्री होती इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, अपन ने किया। अगर नॉर्मल इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला होता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये पैसा अपने को किस पे मिला, मैच फंड इन्वेस्टमेंट। एंट्री बोलो, अगर ये नॉर्मल इनकम होती तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में गई होती, इसका पैसा भी मैच ऑर्गेनाइज करने के काम आएगा। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू मैच फंड ₹9,000। नाउ वी हैव अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 2 लाख अर्लियर 9,000, नाउ वी हैव 2,09,000 क्रेडिट बैलेंस। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंसेस, एंट्री बोलिए। क्या सफिशिएंट पैसा है, नो सर, जितना है उतना निकाल लें। अच्छा, इन दोनों को कंबाइन भी बोल सकते थे, मैच फंड अकाउंट डेबिट 2,09,000, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट 16,000 टू 2,25,000। अंडरस्टूड। मान लीजिए आपने मैच ऑर्गेनाइज करवाया और आपने कुछ स्पेक्टेटर्स भी बुला लिए जिन लोगों को आप मैच दिखाना चाहते हो, और आपसे आपने उनसे कुछ मामूली फीस भी ले ली, मैच टिकट्स का पैसा भी ले लिया, तो मैच टिकट्स बेचने पर आपको पैसे मिले होंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ मैच टिकट्स, वापिस बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ मैच टिकट्स। अब आपने सेल ऑफ मैच टिकट्स को क्रेडिट कर दिया, क्या ये पैसा किसी अदर पर्पज में काम आएगा, ये भी मैच के काम आएगा। सेल ऑफ मैच टिकट्स अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर टू मैच फंड। ऑल क्लियर, इलस्ट्रेशन नंबर 5। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, देखो बेटा क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ ए क्लब शो द अमाउंट ऑफ मैच एक्सपेंसेस एंड मैच फंड इन द एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। बेटा मैच एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, साल के एंड तक कुल मिलाकर खर्चे कितने हुए, 1,10,000। मैच फंड ओपनिंग बैलेंस था अप्रैल 2019 को 30,000। डोनेशन फॉर मैच फंड जो रिसीव हुआ करंट ईयर में कितना रुपीस, 55। प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल ऑफ मैच टिकट्स, ये भी अपने को पैसे मिले 20,000। अब अपने को क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या थी कि मैच एक्सपेंसेस आप अप्रोप्रिएट साइड में दिखाइए और अगर कोई मैच फंड एग्जिस्ट करता है तो उसे भी दिखाइए। बेटा सबसे पहले तो ये बताओ मैच फंड का ओपनिंग बैलेंस कितने रुपए का है, ऑन योर कैलकुलेटर 30,000 पहले से। अब आपको डोनेशन मिला होगा मैच के लिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन फॉर मैच फंड एंड डोनेशन फॉर मैच फंड अकाउंट डेबिट टू मैच फंड अकाउंट 55,000 प्लस हो जाएगा, 30 प्लस 55 85 हो गया। बेटा आपने सेल ऑफ मैच टिकट्स भी किया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल ऑफ मैच टिकट्स, सेल ऑफ मैच टिकट्स अकाउंट डेबिट टू मैच फंड 85 पहले से आ रहा था, 40,000 हो गया बेटा, 1,05,000। व्हाट इज मैच एक्सपेंसेस, पहले एंट्री बोलो, मैच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक 1,10,000। व्हाट इज मैक्सिमम अमाउंट दैट वी कैन एडजस्ट फॉर मैच, 5,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर से, 1,05,000 मैच फंड से। पूरी एंट्री आराम से बोलिए, मैच फंड अकाउंट डेबिट 1,05,000,
पक्का। अब अगर अकाउंटिंग मांग ले तो एक तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में टू मैच एक्सपेंसेस 5,000 और बैलेंस शीट में जो दिया है वैसा का वैसा। एग्री बेटा? मैडम इस थैंक यू लिए आपको आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर टू, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर टू पेज 9.33। आज छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं, कल से बड़े लेंथी क्वेश्चंस करेंगे, कम से कम 3-4 बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं इसके अंदर। हाँ जी, सेकंड नंबर क्वेश्चन दिख रहा है बेटा। ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31st March 2020 सचिन क्रिकेट क्लब रिसीव्ड सब्सक्रिप्शंस एज फॉलोज। मिल गया क्वेश्चन? yes, बेटा 31st March 2020 अपना करंट ईयर है। फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2019 ₹12,000, फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020 6,15,000, फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2021 18,000, टोटल हुआ 6,45,000। अगर आगे क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया होता, खाली पूछता कि इनकम फॉर द करंट ईयर कितनी होगी, तो हम सीधा सीधा 6,15,000 बोले होते। बट आगे बोलता है देर आर 500 मेंबर्स एंड एनुअल सब्सक्रिप्शन इज ₹1,500 पर मेंबर। तो अब अपने को ये अंदाजा हो गया कि इनकम तो 7,50,000 की है, जिसमें से 6-15 ही करंट ईयर का मिला, तो 1,35,000 रुपये आउटस्टैंडिंग रहा होगा किस साल का? करंट ईयर का। आगे की लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। असर्टेन द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन दैट विल अपियर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो हम लोग 7,50,000 बोल ही चुके हैं, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। ऑल्सो शो हाउ दीज आइटम्स वुड अपियर इन द बैलेंस शीट ऑन 31st March। ओ सॉरी, मैं एक लाइन मिस कर दिया शायद, पहले वो देर आर 500 मेंबर्स जो है ना, उसके नीचे एक लाइन मिस कर दिया मैं, वो पढ़िए एक बार। ऑन 31st March 2020 यानी कि करंट ईयर के एंड में, अ सम ऑफ ₹15,000 वॉज स्टिल इन अरियर, अरियर मतलब होता है बाकी, फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। मतलब कि 31 मार्च 2020 के एंड तक आते आते अभी भी ₹15,000 का सब्सक्रिप्शन उस ईयर का बाकी है जिसका रिलेशन 31st March 2019 को था, यानी प्रीवियस ईयर का 15,000 अभी भी बाकी है। ये अभी भी का मतलब क्या है? मतलब कुछ तो मिल गया होगा और कुछ अभी बाकी है। देखो ठीक ऊपर देखो, आपको ₹12,000 जो मिला है वो करेंट ईयर मिला है ना बेटा, और फिर भी बोलता है कि 15,000 मिलने बाकी है। बेटा ऊपर देखना, ऊपर दिया ना, तो 12,000 तो करेंट ईयर मिला ही है और 15,000 मिलना बाकी है। कैन बी से कि इस साल के बिगनिंग में, यानी प्रीवियस ईयर के एंड में, सुने में क्या बोला, इस साल की या प्रीवियस ईयर के, 27,000 का सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी था बेटा। 12 मिल चुका, 15,000 बाकी। अब आखिरी में बोलता है ऑल्सो शो हाउ द आइटम वुड अपियर इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019, यानी करंट ईयर में किसकी बैलेंस शीट मांग रहा है, प्रीवियस ईयर की, एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2020। वो गलत लिखा है, 2021 को कट करके 2020। बेटा बैलेंस शीट तो हिस्टोरिकल स्टेटमेंट होती है। अब आज की तारीख में पुरानी और आज की बैलेंस शीट बना सकते हैं? आज की तारीख में कल की बैलेंस शीट नहीं बन सकती, वो गलत लिखा है। 2021 को कट कर दें और 2020 लिख दें उधर। ठीक है बेटा, करें शुरू, लिखो। जो इलस्ट्रेशंस मैंने अभी क्लास में कराए और जो तुम करोगे वो करके लाना, ध्यान रखना। देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर टू, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended
31 मार्च 2020। अच्छा, दिस इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, नॉट एन एक्चुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। बाय सब्सक्रिप्शन, बोलो देखो क्या लिखा। कोई बात नहीं बेटा, बना ले बना ले। आउटस्टैंड सब्सक्रिप्शन अपने को कितना होगा, 500 मेंबर हैं क्या? 500 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा, 750,000। एंड अरे सॉरी सो सॉरी यस बेटा, बाय सब्सक्रिप्शन जो अपने को मिला कितना है। देखो अब अपने पास ना दो तरीका कैसे, ध्यान सुनिए। या तो अपन लोग बाय सब्सक्रिप्शन पूरा 6,45,000 दिखाएं, सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो कितना दिखा दें 645, उसमें से क्या कर दें प्रीवियस ईयर का आगे आने वाले ईयर का क्या कर दें लेस कर दें। लेकिन जब हम लोग को बाइफर्केटेड प्रीवियस ईयर का इतना, करंट ईयर का इतना और नेक्स्ट ईयर का इतना, तो केवल कौन सा ही इनकम को उठाना चाहिए जो करंट ईयर का है। मान लो ये अपने को ऐसा बाइफर्केटेड नहीं होता, इकट्ठा होता 6,45, तो अपन 6,45,000 उठाकर लिख दिए होते इधर। लेकिन अभी अपने को करंट ईयर का कितना मिला देखो, 6,15,000 मिला हुआ ना, सब्सक्रिप्शन 6,15,000 एड आउटस्टैंडिंग। अब आउटस्टैंडिंग कैसे आएगा, मेंबर कितने थे, 500 थे या 1500 थे, 500 मेंबर, हर मेंबर कितना दे रहा था, बराबर कितना हुआ, इसमें से मिल कितना गया, तो बेटा हमारे पास 135,000 आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। तो असर्टेन द अमाउंट दैट हैज टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वो तो 7,50,000 आ गई बेटा। अपन ने प्रेजेंटेशन दे दिया कि 6,15 प्लस आउटस्टैंडिंग, अंडरस्टूड, कोई डाउट तो नहीं, पक्का क्लियर, किसी को भी डाउट है तो पहले बोल दो यहाँ पर। चले फिर आगे, बैलेंस शीट बेटा, दो ईयर की बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट एज एट कौन सी, 31 मार्च 2019। अच्छा 2019 में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन लिख दें हम लोग, बताओ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना लिखें, बता दो यहाँ पे 12,000 प्लस 15। भाई हम लोग स्टूडेंट है ना, हमने 27,000 कैसे आइडेंटिफाई किया वो अपने को बताना है। तो बोलेंगे 12,000 तो पिछले साल का बकाया मिल ही गया और 15,000 अभी भी मिलना बाकी है, तो 12 प्लस 15 ऐसे आया 27,000 रुपये। ओके बेटा, ये हो गई हमारी बैलेंस शीट 31 मार्च 2019। और अब कौन सी बैलेंस शीट, 31 मार्च 2020 बेटा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। लेकिन ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2019 का भी हो गया और 2020 का भी, मतलब एंडिंग 31 मार्च 2019, एंडिंग 31 मार्च 2020। अच्छा 2019 का आगे कितना लिखूं, 15,000 श्योर, और इधर 135,000। ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि 15,000 पिछले साल का मिलना बाकी अभी भी है और करंट ईयर के 7,50,000 के अगेंस्ट मिला ही केवल 6,15,000, कितना आ जाएगा 135,000, टोटल बोले तो 150,000 बेटा। अब देखो इन्फॉर्मेशन देखो ऊपर अपने को क्या, 6,45 में 18,000 नेक्स्ट ईयर का मिला, एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना रुपीस, अगेन दिस इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, चाहे तो टोटल लगाएं या नहीं लगाएं, आई वुड सजेस्ट नहीं लगाना है क्योंकि ये कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं है। ओके चल, होमवर्क में कौन सा इलस्ट्रेशन दिया मैंने अभी, फोर्थ दिया है, और बाकी जो अपन डिस्कस किया कर लाना आप लोग है ना।
बेटा कुछ पूछना है क्या आप लोगों को? पक्का छोड़ दो फिर मैं क्लास? एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 4 के पॉइंट नंबर डी पॉइंट पढ़ लेंगे। कैपिटलाइज 50% ऑफ एंट्रेंस फीस। बेटा नहीं बोलता तो सारी ऐड करते, बोल दिया तो फिर 50% जाएगा कैपिटल फंड में और बाकी जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पक्का? यस सर। इस चैप्टर में इलस्ट्रेशन नंबर 8 पास्ट एग्जाम्स में एक बार आया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन नंबर शायद 10 और 11 जो है वो है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना विद द हेल्प ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वो हम लोग सीखेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 12 ने में लेंदी क्वेश्चन जैसे अपन लोग अपने 12th जो फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर था गावस्कर वाला और वो गांगुली वाला, दिखने में बड़े क्वेश्चन थे बट कैलकुलेशंस कम थी, वैसा इलस्ट्रेशन। एक सबसे अच्छा क्वेश्चन जो है ना वो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, उसमें अपन लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ओके।